सभी छात्र छात्राएं पत्रकार साथियों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं आदरणीय आजम खान साहब के लिए ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि कहां से यूनिवर्सिटी बनने का काम शुरू हुआ, कितनी प्रयास कितनी मेहनत के बाद कितना संघर्ष के बाद आज हम और आप आमने सामने बैठे हैं, जहां पर एक दूसरे को डिग्री दे सकते हैं और कम से कम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे बच्चे यहां से पढ़ करके जा रहे हैं और समाज में देश का नाम रोशन करेंगे। ये बीज आपने डाला था और उसी के पेड़ पौधे हमें यहां सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सिटियों के इतिहास में जाएं, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी धरती पर यूनिवर्सिटी अगर कोई रही, हालांकि हमारे देश की अलग बात है, लेकिन ऑक्सफोर्ड जिसको हम नहीं दुनिया जानती है मानती है, आज कम से कम 1000 साल पुरानी वो यूनिवर्सिटी है। एक एहसास कराती है कि वो यूनिवर्सिटी आखिरकार कहाँ है। लोग पढ़ करके जब वहां निकलते हैं एडमिशन पा लेते हैं, गर्व महसूस करते हैं, कहते कि हाँ मैं यहाँ अमेरिका में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगभग 500 साल पुरानी और ये कुछ ही वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी मैं कह सकता हूँ 300 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में जो पहली यूनिवर्सिटी है, आने वाले समय में न केवल देश बल्कि दुनिया की यूनिवर्सिटी का मुकाबला करने के लिए ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये जो बच्चे कहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की खुशी में गर्मी होने के बाद भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं खुद कुर्ते पजामे पे सदरी और सदरी के ऊपर ही गाउन पहने हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये नौजवान भविष्य बनाएंगे समाज का भी, और नई दिशा में जहाँ देश जा रहा है, नए नए तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, क्योंकि पुरानी चीजें हैं जरूर लेकिन जमाना बदला है, इसलिए तरीके बदले हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तरीका बदलना पड़ेगा, और शायद कोई रास्ता दिखा सकता है टेक्नोलॉजी और मॉडर्निज्म के साथ, तो वो होती है यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में आप सब लोगों को मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ आदरणीय अनिका साहब और जितने भी अतिथि आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ, और सबसे खुशी की बात इसलिए है कि जहाँ हमने डिग्री हासिल की मैसूर में पर्यावरण में इंजीनियरिंग, हम नहीं सोचते थे कि डॉक्टरेट भी नाम पर लग जाए, लेकिन आज यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपने जो सम्मान दिया, और ये ऐसा सम्मान है जिंदगी भर के लिए है, ये जिंदगी भर के लिए आपने सम्मान देने का काम किया, उसके लिए हम लोग आभारी हैं, और उस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई भी मौका मिलेगा, क्योंकि आज तो जहाँ बैठे हैं हम और आप, अगर सरकार में होते तो शायद ये पंडाल में ऐसे नहीं बैठना पड़ता हमें और आप, हमारा आपका बैठना दूसरे तरीके से होता, लेकिन ये पसीना जो बहाया जा रहा है कल के लिए बहाया जा रहा है, क्योंकि कल हमें मौका फिर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई, इस उम्मीद के साथ कि समाज और देश को आप लोग आगे ले जाने का काम करेंगे, बहुत बहुत बधाई।